आज हम सीखेंगे नेस्टेड इफ एल्स इन सी। नेस्टिंग मींस एक ब्लॉक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा ब्लॉक स्ट्रक्चर। नेस्टिंग इफ एल्स यानी इफ ब्लॉक में दूसरा इफ या इफ एल्स ब्लॉक, या फिर एल्स ब्लॉक के अंदर इफ या इफ एल्स ब्लॉक। फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसे नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर से लिखेंगे। क्वेश्चन था, एक्सेप्ट एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज सिंगल डिजिट नंबर और नॉट। इस क्वेश्चन के लिए हमने प्रोग्राम लिखा था ये। इस प्रोग्राम में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर से कंपाउंड कंडीशन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। इस लॉजिकल एंड कंडीशन को हम नेस्टेड इफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोग्राम। यहां हमने सेकंड कंडीशन इफ में लिखा है, मतलब अगर नम ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है तो ही इस ब्लॉक के अंदर ये जो कंडीशन लिखा है नम लेस देन इक्वल टू 9 ये चेक होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमें डिस्प्ले करना है नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर, अदरवाइज हम डिस्प्ले करेंगे सिंगल डिजिट नंबर। अब इस कंडीशन को अलग तरह से सोचते हैं। यहां नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लॉजिकल एंड नम लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन को उल्टा करेंगे, तो कंडीशन होगा नम लेस देन 0 और ग्रेटर देन 9। लॉजिकल और ऑपरेटर यूज हो रहा है, यानी सिंगल डिजिट नंबर लिखने के लिए आइदर कंडीशन ट्रू होगा, इसलिए हम एल्स ब्लॉक में सेकंड कंडीशन लिखेंगे। तो पहला इफ कंडीशन होगा नम लेस देन 0 और एल्स ब्लॉक में दूसरा इफ कंडीशन होगा नम ग्रेटर देन 9। मतलब अगर नम लेस देन 0 कंडीशन ट्रू है तो नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज मतलब एल्स सेकंड कंडीशन नम ग्रेटर देन 9 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर डिस्प्ले होगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू रिजल्ट इवेल्युएट नहीं करेगा तो सिंगल डिजिट नंबर डिस्प्ले होगा। ये जो नेस्टेड ब्लॉक है ये एक्चुअली इफ ब्लॉक कोड को कॉम्प्लेक्स कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हमें कंपल्सरीली नेस्टेड इफ ही लिखना है या नेस्टेड इफ एल्स ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है, एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले विच नंबर इज ग्रेटर। प्रोग्राम का कोड लिखने के पहले इसका लॉजिक के बारे में सोच लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले 3 नंबर्स एक्सेप्ट यानी इनपुट करने कंसीडर करेंगे n1, n2 और n3 नंबर्स। अब क्वेश्चन में इक्वल कंडीशन के लिए नहीं लिखा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी देखनी होंगी। तो n1 ग्रेटर होने के लिए पॉसिबिलिटी है n1 ग्रेटर देन n2 एंड n3। सेकेंड पॉसिबिलिटी, n1 और n2 दोनों इक्वल है लेकिन n3 से ग्रेटर है। थर्ड पॉसिबिलिटी, n1 और n3 दोनों इक्वल है और n2 से ग्रेटर है, या फिर ये भी हो सकता है कि सारे ही नंबर इक्वल हैं। अब क्योंकि हम इक्वल भी कंपेयर कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट कंडीशन है n1 ग्रेटर और इक्वल n2 एंड n1 ग्रेटर और इक्वल n3। अब इस कंडीशन के दो ऑप्शंस है, ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट इवेल्युएट करता है तो n1 ग्रेटर या इक्वल n2 और n3 से हो सकता है, या फिर सारे ही नंबर इक्वल हो सकते हैं। इसलिए कंडीशन के ट्रू साइड में हमने चेक किया है n1 इक्वल n2 एंड n3, जो डिस्प्ले करेगा सारे नंबर इक्वल है। अब अगर सारे नंबर इक्वल नहीं है तो कंडीशन के फॉल्स साइड में होगा आइदर n1 ग्रेटर या n2 और n3 n1 से इक्वल। अगर ये दोनों में से कोई भी नंबर n1 से इक्वल है तो वो ग्रेटर भी है, क्योंकि ये कंडीशन जिस इफ कंडीशन के अंदर नेस्टेड है वहां हमने ग्रेटर और इक्वल चेक किया है n1 के लिए। मतलब अगर n1 इक्वल टू n2 है तो n1 और n2 दोनों ग्रेटर हो जाते हैं, और अगर n1 इक्वल टू n3 है तो n1 और n3 दोनों ग्रेटर है, और अगर
कोई भी नंबर एन वन से इक्वल नहीं है तो सिर्फ एन वन ही ग्रेटर है। अगर एन वन ग्रेटर होने का कंडीशन फॉल्स है तो एन टू या एन थ्री ग्रेटर हो सकते हैं। यहाँ पे भी हमें इक्वल चेक करना है, इसलिए एन टू ग्रेटर होने के लिए दो कंडीशंस ही है, आइदर एन टू एन थ्री से इक्वल है और ग्रेटर है या फिर एन टू ग्रेटर है। इसलिए इस कंडीशन के फॉल्स साइड पे हमने चेक किया है एन टू ग्रेटर और इक्वल एन थ्री, क्योंकि एन वन चेक हो चुका है। अब ग्रेटर या इक्वल ऑपरेटर यानि आइदर ग्रेटर या फिर इक्वल, इसलिए इस कंडीशन के ट्रू साइड पे हमने लिखा है एन टू इक्वल एन थ्री, मतलब एन टू और एन थ्री एन वन से ग्रेटर है या फिर एन टू ग्रेटर है। अब एन थ्री का इक्वल कंडीशन ऑलरेडी चेक हो चुका है, इसलिए अगर एन टू भी ग्रेटर नहीं है तो एन थ्री ग्रेटर हो जाता है।